दोस्तों, इटली यूरोप देश का एक सुंदर देश है। इस देश का प्राकृतिक भूभाग आधे से ज़्यादा सुंदर पर्वतों से भरा हुआ है। दोस्तों, आज हम इसी सुंदर देश के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए, मेरा नाम है निखिल धुमाल और आपका स्वागत है हमारे क्रेजी डब्बा चैनल में। इटली देश यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और इटली की राजधानी रोम है, जो इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य रोमन साम्राज्य की राजधानी भी रह चुकी है। इटली का कुल क्षेत्रफल 309,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इटली की लोक संख्या 6 करोड़ से ज़्यादा है और लोक संख्या में इटली यूरोप में तीसरे नंबर पर है। इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वतमाला है, जो मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, और भूमध्य सागर के दो सबसे बड़े द्वीप सार्डिनिया द्वीप और सिसिली द्वीप, जो इटली के ही अंग हैं। दोस्तों, आपको पता है इस देश का नाम इटली कैसे पड़ा? दरअसल इटली नाम इटालिया शब्द से पड़ा। इटालिया का अर्थ है चारागाह भूमि, मतलब जिस भूमि में पशुओं को चरने के लिए बहुत सारी घास होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे बड़ा शराब उत्पादक देश इटली है। इटली सालाना 4.7 मिलियन टन वाइन का प्रोडक्शन करता है। दोस्तों, रहन सहन में इटली दुनिया के सबसे अच्छे देशों में से एक है। इटली की अर्थव्यवस्था यूरोप में तीसरे नंबर पर है और दुनिया में 8वें नंबर पर है। इटली की करेंसी यूरो है। आज के करेंसी रेट में एक यूरो भारतीय 80 रुपयों के बराबर है। यूरोप में सबसे ज़्यादा भूकंप इटली में ही आते हैं, क्योंकि इटली में सबसे ज़्यादा वोल्केनोज मतलब ज्वालामुखी के केंद्र हैं। इटली में 99% लोग साक्षर है, मतलब 99% लोगों को आसानी से पढ़ना लिखना आता है, और इतना होके भी 30% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी सुरंग इटली और स्विट्जरलैंड देशों के बीच में बनी है, जिसकी लंबाई 57 किलोमीटर है। इटली के 50 से ज़्यादा ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इटली की बोलाना यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना साल 1088 में हुई थी। दोस्तों, यहाँ का कोलिजियम एम्पीथिएटर दुनिया के 7 वंडर्स में गिना जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कांटे के चम्मच का इस्तेमाल यूरोप में सबसे पहले इटली में हुआ। इटली देश ने दुनिया को पास्ता खाने की पहचान करा दी और आज दुनिया भर में पास्ता एक लोकप्रिय खाना बन चुकी है। दोस्तों, इटली इकलौता ऐसा देश है जिसने दूसरे दो देशों को प्राकृतिक रूप से पूरा घेरा हुआ है। वैटिकन सिटी और सैन मरीनो, इन्हीं दो देशों को घेरा हुआ है। ये देश दुनिया में सबसे छोटे देशों में से एक है। इटली देश पर्यटकों का पसंदीदा देश है। इस देश में 63% इनकम सिर्फ टूरिज्म से आती है। दोस्तों, दुनिया में कुछ कार ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ड्रीम कार होते हैं, जैसे कि फरारी, लैम्बोर्गिनी, डुकैटी, और ये सभी ब्रांड्स इटली के ही हैं। इटली देश फैशन में भी दुनिया में आगे है। यहाँ के मिलानो शहर को फैशन कैपिटल कहा जाता है और यहाँ के कुछ फैशन ब्रांड्स दुनिया भर में फेमस है, जैसे कि गस्सी, अरमानी, डीजल, फिला। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इटली के ट्रैफिक पुलिस लैम्बोर्गिनी जैसे रॉयल कार्स का इस्तेमाल करते हैं। इटली का वेनिस शहर दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जो पानी के ऊपर बना है। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा पेंटिंग का निर्माण भी इटली में हुआ। इटली के प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्डो दा विंसी ने इनका निर्माण किया था। दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। गुड बाय।